नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे उज्जैन लाइव के लाइव शो में। मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रोथ कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। अक्सर हमने एक मजेदार बात देखी है, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, मस्त रहे, एजुकेशन में नंबर वन आए, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा खेले, हर अचीवमेंट ले, डांस भी अच्छा से कर ले, गाना भी अच्छा से गा ले, जहां पे पार्टिसिपेट करें वहां कोई ना कोई प्राइज जीते। उसके लिए हम सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन पाते क्या हैं? अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे से अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कराया, जो सुविधा दी जा सकती है सारी सुविधाएं दी, सारे खेलने के, सीखने के सारे संसाधन घर में उपलब्ध करा दिए, समय दिया। माता पिता में से एक की उसकी ड्यूटी रहती है सुबह उसको लेके जाना, फिर उसको लेकर आना। ये सब करने के बाद भी होता क्या है? आजकल हम एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन देख रहे हैं, बच्चे हमें ज्यादा प्रेशर में नजर आते हैं, खोए खोए से नजर आते हैं, थोड़ा सा कुछ बोलो तो चिढ़ जाते हैं। हम चाह क्या रहे थे और हमें मिल क्या रहा है? आखिर गलती कहां हो रही है दोस्तों? कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें बताने में छूट गई? मैं आपसे कुछ फैक्ट शेयर करता हूं। उससे पहले मैं आज के अपने टॉपिक को बता दूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रेज अ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट चाइल्ड। खुश और आत्मविश्वास से भरपूर बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे बच्चों को बड़ा किया जाए कि वो हमेशा खुश भी रहे और आत्मविश्वास से भरे हुए भी रहे। थोड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे डे टू डे लाइफ में, फ्लक्चुएशन होंगे, लेकिन वो रीबाउंस करेंगे, वापस से उसी आत्मविश्वास को पाएंगे। छोटे मोटे फेल्यूअर से, छोटे मोटे अस्वीकार वाले भाव से उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पाया जा सकता है? तो दोस्तों, शुरू करने के पहले कुछ आपसे फैक्ट्स शेयर करता हूं, और उन फैक्ट्स के साथ में हम आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, कुछ फैक्ट्स। हम लोग आजकल अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़ा कर रहे हैं, हम खुद ये चाहते हैं कि वो टॉपर हों, हम खुद ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो ये सारी चीजें बच्चे हमारे करें। मान लीजिए मैं चाहता था कि मेरा एक अच्छा सा बिजनेस हो, मैं चाहता था मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, मैं चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, या मैं डॉक्टर बन के कोई पर्टिकुलर पोजीशन अचीव करूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं और पर्टिकुलर लेवल को अचीव करूं। समहाउ जीवन में हम वो अचीव कर नहीं पाए, तो हमने क्या करा, अपने सपनों का एक्सटेंशन बच्चों में देखना शुरू कर दिया। मैं नहीं कर पाया कोई बात नहीं, अब मेरा बच्चा करेगा। हम लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जब हम हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़ा करते हैं तो हम उन्हें हर संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही संसाधन ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करी, हमारा समय जो उनको देना था वो उनको देने की जगह संसाधनों को अरेंज करने में, कभी उन संसाधनों के लिए लगने वाला पैसा हो सकता है, कभी उन संसाधनों के लिए लगने वाला कोई और कोचिंग के लिए या कहीं लेके आने जाने के लिए लगने वाला समय हो सकता है। कुल मिला के जो बच्चे को एक क्वालिटी टाइम दिया जाना था वो हम क्वालिटी टाइम उसको नहीं दे पाते हैं। तीसरी बात, ज्यादातर फैमिलीज अब न्यूक्लियर हो गई हैं। हम दो, हमारे दो, इनफैक्ट मेरे केस में कहूं तो हमारा तो चाइल्ड भी एक ही है, और ज्यादातर फैमिली जो अब न्यूक्लियर हो गई हैं, पहले क्या होता था, सोसाइटी एक पेरेंट की भूमिका निभाती थी। आजकल पेरेंटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, अगर हम कोई काम करते थे दिन में, अगर माता पिता घर में नहीं होते थे, या होते भी थे तो हमारे मोहल्ले में कुछ फिक्स अपने दोस्त होते थे, हम उनके यहाँ जाके बहुत आराम से समय बिता लेते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस जगह पे मैं पला बड़ा हुआ, वरुची मार्ग, वहां पे कम से कम 10 से 15 घर हमारे थे। मैं, राहुल उपाध्याय, संदीप नागर, प्रदीप, बहुत सारे ऐसे मित्र थे, क्षितिज, जो हम सब लोग, सारे परिवार एक परिवार के रूप में रहते थे वहां पे। गणेश चतुर्थी हो तो सभी के घर आरती होती थी। अभी जैसे कल, आज अष्टमी और कल नवमी है, तो अष्टमी और नवमी तो हम लोग पूरी तरह व्यस्त रहते थे, क्योंकि सभी घरों में जाना होता था, सभी के साथ जाना होता था।
तो सारे परिवार पहले एक परिवार होते थे और सबके माता पिता अगर हम कोई गलती कर रहे होते थे या कोई अच्छी बात हमें बतानी होती थी तो वो उसी अधिकार से हमारे हमें बता देते थे या हमें टोक देते थे, हमें सुधारने का काम भी पूरा मोहल्ला करता था। तो पहले क्या होता था, माता पिता ही माता पिता की भूमिका नहीं निभाते थे, सोसाइटी भी उस भूमिका को निभाती थी। अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली होने के साथ में अब हम लोग एक सोसाइटी में, एक फ्लैट में, एक कवर्ड कैंपस में भी शिफ्ट हो गए हैं। तो आज पेरेंटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन अब मिसिंग है। इसके अलावा जब हम लोग थोड़ा सा इसमें अगर टेक्निकल डेटा में जाए, अगर मैं सर्वे की बात करूं तो एक सर्वे ये बताता है 5 में से 1 बच्चा किसी ना किसी बुलिंग का शिकार होता है, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी रूप में डराया या धमकाया जाता है। यह भी एक रीजन होता है कि माता पिता क्वालिटी टाइम दे नहीं पा रहे हैं, बच्चे को बाहर डराया जा रहा है, उसके पास शेयरिंग करने के लिए कोई है नहीं तो वो खुद डरा सहमा रहना शुरू कर देता है। एकेडमिक प्रेशर्स पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि हर स्कूल भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे हों, और उसके अलावा हर स्कूल के अलावा हर पेरेंट भी यही चाह रहा है। हम एकेडमिक रिजल्ट्स में तो समझौता करने के लिए राजी हैं ही नहीं, हर किसी को हाईएस्ट लेवल चाहिए। इसके अलावा पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जब हर कोई फर्स्ट ही आना चाहेगा तो अपने आप ही एक कंपटीशन आ जाती है और उसी कंपटीशन की वजह से पीयर प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे हम अपने बच्चों को सारे संसाधन देना चाह रहे हैं, ऐसे हर माता पिता अपने बच्चों को संसाधन देना चाह रहे हैं, और उसके सर्कल में कई ऐसे लोग होते हैं जो हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कई बार मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी डॉटर ने एक बार मुझसे शेयर करा था कि हमारे यहाँ बच्चे ज्यादातर ऐसे हैं जिनको कार से छोड़ने आते हैं और बोलते हैं कि मेरे फादर ने वैसे तो बस फीस भरी भी है पर मैं बस से नहीं आऊंगा, मैंने उनसे कह दिया है जब वो मर्सिडीज से ऑफिस जाते हैं, मम्मी जब इससे दूसरी कार से जाती है तो मैं बस से क्यों जाऊं। अब जब ऐसी बातें बच्चों के आपस में बीच में होती हैं, उस मेरे पास तो यह है, तू ये वाला यूज करती है, ये कौन सा ब्रांड है, जब इस तरह की बातें बच्चे के सर्कल में आती हैं तो वहां पे भी पीयर प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाता है और बच्चे उसे डील कर नहीं पाते, क्योंकि वो अभी बड़े हो रहे हैं, अभी चीजों को सीख रहे हैं, अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सारी बातें कई बार बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना देती हैं कि कुछ घटनाएं एकदम झकझोर देती हैं, दिल को परेशान कर देती हैं। 10th में बच्चे के नंबर कम आए हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी, एक एग्जाम में फेल हुआ है, एक एग्जाम में मार्क पास है, और क्या एक ही एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी? हम उन्हें सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि फेल्यूर से बचा कैसे जाए। दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि ये चीजें आके हमारे घर को डिस्टर्ब करें, हम क्या बैठ के इंतजार करें, हमें सीखना होगा इस सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए, बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे बनाया जाए, उनको गोल अचीव करने के लिए कैसे तैयार किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहली चीज, लव अनकंडीशनली। बच्चे को जब आप प्यार करते हैं तो उसमें किंतु परंतु लेकिन की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है क्लास में लास्ट आता है तब भी उसकी पोजीशन वही है, दौड़ में लास्ट आता है तब भी उसकी पोजीशन वही है, एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है तब भी उसकी पोजीशन वही है, आपके अनुसार अपनी लाइफ में नहीं चल रहा है तब भी उसकी पोजीशन वही है। लव अनकंडीशनली, क्या आपने उसको ये बताया था कि भैया तू मेरी लाइफ का एक्सटेंशन है? नहीं। जब आपने उसको ये नहीं बताया था तो आज आप अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर कैसे ला सकते? जब बच्चे को इस बात का एहसास होता है कि उसके माता पिता उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करते हैं, तो उस वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बड़ा होता है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, कुछ भी होगा ये लोग साथ हैं, कुछ भी होगा ये लोग साथ हैं, चाहे मैं फेल होऊंगा तब भी मेरे साथ हैं, मैं अचीव करूंगा तब भी मेरे साथ हैं। जब वो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ता है तो इससे एक चीज और होती है, आपके बीच का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो आपस की शेयरिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जब शेयरिंग बढ़ती है इट मींस आपका और बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूं कि बच्चे जब काउंसलिंग में आते हैं फूट पड़ते हैं, वो मुझसे ऐसी बातें शेयर करते हैं, मुझे दुख होता है कि वो अपने माता पिता से क्यों शेयर नहीं कर पा रहे। क्या माता पिता उसको इतना समय भी नहीं दे पा रहे हैं कि वो उनसे अपने मन की बात कह सके? लव अनकंडीशनली, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जब आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो बच्चे को एप्रिशिएट करना शुरू करें। रोकना और टोकना, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था हमारे समय में पेरेंटिंग बहुत इजी थी, रोका टोका और ठोका, इतने में काम हो गया। रोका टोका और ठोका, पहली बार गलती करी रोक के बोल देंगे, दूसरी बार करी टोक देंगे, तीसरी बार करी ठोक देंगे और हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब सीन थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, थोड़े से एप्रिसिएशन की जरूरत है। एप्रिसिएशन का अर्थ क्या है? पीठ थपथपाना। सबसे पहली चीज, उन मौकों को तो बिल्कुल छोड़िएगा ही मत जहां वो पीठ थपथपाने का हकदार हो, जहां तारीफ का हकदार हो। किसी भी हालत में वो मौका चूकना नहीं चाहिए। हर छोटे से छोटे अचीवमेंट को देखिए, आज उसने क्या बेहतर करा और उस अचीवमेंट के लिए उसकी पीठ थपथपाइए। इवन कई बार जब वो कोई चीज कर रहा है, मान लीजिए एग्जाम के लिए जा रहा है और उसने कुछ सोचा था कि मैं ये अचीव करूंगा और नहीं कर पाया, उसे लग रहा है कि पेपर में उससे कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं, तुमने तुम्हारी तरफ से पूर्ण दिया मेरे लिए ये सफिशियंट है, तुमने अच्छे से अटेम्प्ट करा मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि कोई एक एग्जाम के मार्क्स मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज, जब आप पीठ थपथपाते हैं, जब आप उसके उसको जब आप किसी गलती के एफर्ट्स के लिए भी जब आप पीठ थपथपाते हैं जो उसने प्रैक्टिस करी थी, जब उस प्रैक्टिस के लिए भी आप अप्रिशिएट करते हैं, तो बेसिकली आप उसका कॉम्पिटेंस लेवल इंक्रीज करते हैं, मतलब आप उसे सक्षम बनाते हैं नेक्स्ट टाइम उस चीज को अचीव करने के लिए। जब आप पीठ थपथपा के उसे सक्षम बनाते हैं, इट मींस आप उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं, आप उसे रिलैक्स कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई चीज नहीं आई टेंशन मत ले, क्वेश्चन कर, फेल हो गया चिंता मत कर, बैठ के देख कहां कमी रह गई थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने सुनी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब भी बच्चा किसी एडवर्सिटी को डील करता है, मतलब किसी विपरीत परिस्थिति में लड़ता है, जीता या हारा मायने नहीं रखता, उसने एडवर्स सिचुएशन को फेस कराना जिसके लिए वो राजी नहीं था, पीठ थपथपाइए, उसे बोलिए वेल डन, नेक्स्ट टाइम तुम डेफिनेटली इससे आगे आ जाओगे, तुमने आज अपनी क्षमता से ज्यादा परफॉर्म कराए, मेरे लिए यही बहुत है, नेक्स्ट टाइम इससे आगे बढ़ेंगे, सफिशियंट है। इसके बाद अगर वो सफल होता है तो वो सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। आप उन्हें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बताइए, आपने कैसे उससे मिलती जुलती सिचुएशन में आपने कैसे सक्सेस ली थी। जब आप वो घटनाएं बताते हैं तो बच्चे को आप उन चीजों के बारे में बताइए, वो स्किल सेट आपने कैसे सीखा था, आपने क्या क्या स्टेप्स ली थी जिससे आप यहां तक पहुंचे, और कहां कहां आपसे भूल हुई थी। जब आपका कम्युनिकेशन बॉन्डिंग अच्छा है तो ये जो शेयरिंग होगी ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। लेकिन हम अक्सर ये बोलते हैं, ये शेयरिंग तो मैं करता हूं, लेकिन हम कैसे करते हैं? तुम्हें पता है मैं ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ता था, मैं फ्रीगन से निकलता था, गोपाल मंदिर के ट्यूशन में साइकिल से जाता था, मैं इंदौर में था, मैं सुदामा नगर में रहता था और मैं राजवाड़ा आता था या मैं पलासिया चौराहे पे आता था। वो आपकी सिचुएशन थी, आपके पेरेंट्स जो आपको बेहतर दे सकते थे उन्होंने दिया था, उससे इन्हें कंपेयर मत कीजिए। आपके पेरेंट्स ने आपको जो दिया आप यहां से यहां आए, आपके बच्चे ने यहां से स्टार्ट कराए वो यहां से और ऊपर जाएगा। हमें शेयर करना है आपने उस एडवर्स सिचुएशन को कैसे डील करा था और उसे जीतने के लिए आपने क्या स्किल सेट एक्वायर करे थे जिसकी वजह से आप आगे बढ़े थे। नेक्स्ट, उन्हें रियलिस्टिक गोल सेट करने में मदद करें। बच्चों के ज्यादातर गोल जो होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब उधार के होते हैं। हम लोग, आपने लक्ष्य पिक्चर तो देखी होगी,
लक्ष्य पिक्चर में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था इसका, कि एक ने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया, दूसरे ने कहा मैं भी आर्मी में जाऊंगा। तो बच्चों के ज्यादातर गोल उधार के होते हैं, वो अपना सर्कल नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अपने उन दोस्तों के साथ बने रहना चाहते हैं। जब जब वो गोल उधार का होता है, इट मींस वो बच्चे का जो ओरिजिनल स्किल सेट है, जो उसकी अपनी क्षमताएं हैं, जो उसकी अपनी पसंद नापसंद है, कई बार उसके विपरीत हो जाता है। ऐसे में जब बच्चा अचीव करने के लिए निकलता है तो अपना 100% नहीं दे पाता है। जब आपका बॉन्ड अच्छा होगा, जब आपकी शेयरिंग अच्छी होगी, जब आप उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उस बच्चे के पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक दोनों आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आप उसको रियलिस्टिक गोल बनाने में मदद करते हैं, तो वो उसके लिए जब काम करेगा तो हो सकता है कभी वो थोड़ा सा अकेला पड़ जाए। पहले उसके साथ उसका सर्कल था, स्कूल के अपने दोस्त थे, अब वो कॉलेज में जा रहा है, हो सकता है उसके पास वो सर्कल ना हो, वो इंटीमेसी ना हो, वैसे अच्छे दोस्त ना हो। वहां पे थोड़ा सा एनकरेज करें, थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट करें। उसे जब आप अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसे एनकरेज करते हैं और वो बच्चा उस नई फील्ड में काम करता है, तो उसे सक्सेस थोड़ा सा जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना आइडेंटिफाई किया हुआ, उसकी स्ट्रेंथ की फील्ड थी, वहां वो अच्छा परफॉर्म करता है। इट मींस वो अपने पैशन पे आ जाता है और आप उसके पैशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चे के अचीवमेंट्स जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसके बावजूद भी कई बार हम लोग बच्चों को इतना सब करने के बाद भी सही एक्सपोजर नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे खुद के पास वो एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम समझ ही नहीं पाते वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए एक बच्चा आज आके बोलता है कि मुझे कोई ऐसी एक्स वाई जेड नई फील्ड में एमबीए करना है। अगर हमने उस फील्ड के बारे में नहीं सुना है, मान लीजिए वो कह रहा है मैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आर्किटेक्चर सीखना चाहता हूं, अब हमें पता ही नहीं है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते क्या है। वो कह रहा है आने वाले समय में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कम होंगे, अब हमें पता नहीं है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। हम उसे सही गाइड नहीं कर पाएंगे। जब हमारी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से कई बार बच्चे को सक्सेस आसानी से नहीं मिल पाती है, या कई बार बच्चे को खुद को भी नॉलेज कम होता है, वो भी ट्राई करके देखता है और कभी कभी फेल हो जाता है। फेल होने दें, फेल होना गलत नहीं है, लेकिन जब वो फेल होता है तो सबसे फेलियर उसको आप एक चीज देखिए, आप जब बच्चा वो छोटा था, आपने उसको कुछ ब्लॉक्स लाके दिए थे ना, उन ब्लॉक्स की सहायता से वो घर बनाता था, कार बनाता था, और वो जो भी बनाता था उसे ही समझ में आता था, हमें समझ में नहीं आता था। उस समय भी तो हम उसको उस फेलियर को हंसते हंसते तो स्वीकारते थे, अब क्यों नहीं स्वीकार सकते। तब उसकी उम्र के हिसाब से ब्लॉक एक बड़ा लेवल था, आज की उम्र के हिसाब से उसका लेवल कुछ और है। जैसे आपने ब्लॉक को एक खेल में लिया था, इस फेलियर को भी आप एक खेल के रूप में स्वीकार करें। जब आप बच्चे की फेलियर को स्वीकार कर लेते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आप बच्चे को भी राजी कर लेते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। कई बार हम ही मुंह फुला के बैठ जाते हैं, इसलिए ट्यूशन लगाई थी, तुमको पता है कितने पैसे लगे, मुझे तो पता ही है तुम तो हो ही गधे। हमारा कई बार रिएक्शन इस तरह का आ जाता है, ये हमें अवॉइड करना होगा। बल्कि जब वो फेल होता है तो हमें उसे सिखाना होगा कि फेलियर को हैंडल कैसे किया जाता है, उसको एनालाइज करना बताना होगा कि अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप कैसे ली जा सकती है। आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से फेलियर्स फेस करे थे और उनसे आप बाहर कैसे आए थे। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक्स उसको जरूर दे, वो फेल हुआ है लेकिन उसने उस दौरान क्या अच्छा करा था, तुमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दिए थे, पढ़ाई तुमने अच्छे से करी थी, तुम्हारा रिवीजन समय पे हुआ था, तुमने तुम्हारी एक्सरसाइज को भी बैलेंस करा था, इस दौरान तुम घर वालों का भी ध्यान रख पा रहे थे। हर उस चीज का पॉजिटिव फीडबैक दें जो उस दौरान उसने करा था। इससे क्या होगा, जब आप उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को बैलेंस में बताते जाएंगे तो वह अपनी प्रॉब्लम को फिगर आउट करेगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा मुझसे कहां गलती हुई थी। इसके अलावा उनको उनकी एज के अनुसार डील करें। सडनली हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 12वीं तक तो वो बच्चा है और कॉलेज में जाते ही वो सीनियर हो गया, अब अपनी प्रॉब्लम सारी समझ लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ
कुछ ही दिन का अंतर हुआ है, थोड़े दिन पहले वो यहां था, आज थोड़ा सा ऊपर आया। उनको उनकी एज के अनुसार डील करें, उनकी एज के अनुसार ही उन्हें डील करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस को लेके कभी क्रिटिसाइज ना करें, परफॉर्मेंस को लेके कभी क्रिटिसाइज ना करें। हमें उन्हें बताने की जरूरत है, कभी कभी फेलियर भी चलता है। ऐसा संभव नहीं है कि हम हर चीज हर एग्जाम परफेक्टली क्लीन कर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा संभव नहीं है। और कई बार किसी किसी चीज को, किसी किसी फेलियर को स्वीकार के हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई एक लक्ष्य बनाया था, मैं उस एग्जाम को एज बार हो गया, अब मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो उस फेलियर को स्वीकार के मुझे आगे बढ़ना होगा, हमें बच्चे को इसके लिए तैयार करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उसको स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मोटिवेट करें, एनकरेज करें, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जहां बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, बेस्ट वे बच्चे के सीखने के लिए। यहां क्या होता है उसका, क्योंकि जब वो खेलता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, स्पोर्ट्स इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, क्योंकि खेलने में वो सब कुछ भूल जाता है, वो अपना अपने आप 100% देने लगता है, अपना अपने आप 100% देने लगता है। और वो खेलते समय पे उसमें लोगों टीम के साथ कैसे पार्टिसिपेट करना है ये उसे समझ में आता है, वो चीजों के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मुझे अच्छे से याद है जब बास्केटबॉल में खेलता था, मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ था, या जब मैं क्रिकेट खेलता था और जब सिलेक्शन हुआ था, तो मैं घंटों अकेला यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल कोर्ट पे प्रैक्टिस करता था, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करता था। तो मुझे ये अपने आप समझ में आया कि अगर सक्सेस करनी है तो बार बार ट्राई करना होगा, बार बार ट्राई करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंप्रूव करते हैं, जब आप इंप्रूव करते हैं तो अपने गोल को अचीव करते हैं। मतलब आप फेल हुए, आपने प्रैक्टिस करी, हो सकता है आप फिर फेल हुए, आपने प्रैक्टिस जारी करी, आप फिर फेल हुए, आपने आपकी प्रैक्टिस को जारी रखा, आपने अपने आप को इंप्रूव करा, और जब इंप्रूव करा तो फाइनली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो फेलियर्स को स्वीकार के वापिस से स्टार्ट करना स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से सिखाता है। इसके अलावा वो अपने आप इन चीजों को सिखाना सीख जाता है, ये उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, वो मेंटली कितने स्ट्रांग है, वो टीम के साथ में कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो जीवन से जुड़ी कई सारी चीजें बच्चे अपने आप समझने लगते हैं। एनकरेज कीजिए कि उन्हें वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जब वो फेल होते हैं तो फेलियर को हैंडल करना सीखते हैं, डिफीट्स को पॉजिटिव लेना सीखते हैं, डिफीट्स को भी टीम के रूप में स्वीकारना सीखते हैं, इनफैक्ट अपने टीम प्लेयर के किसी मिस्टेक को भी अपनी डिफीट का पार्ट मानना सीखते हैं, ये कहीं और संभव नहीं है। इससे उन्हें एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ब्रॉडन करने में मदद मिलती है, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने में मदद मिलती है, और अपने आप से किसी काम को करने की एक जील, एक कॉम्पिटेंसी, एक इच्छा उन बच्चे में पैदा होती है। दोस्तों स्पोर्ट्स एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए। गिव टाइम एंड अटेंशन, संसाधन नहीं, आपका समय चाहिए, थोड़ा सा ही हो। दो जने हैं, मतलब माता है पिता है, कम से कम कोई एक दोनों में से बच्चे को प्रॉपर समय दे, बच्चा उनसे सारी बातें शेयर कर पाए। और जब आप बच्चे से बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट पूरा रखें, इट मीन्स जब आप बच्चे की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, इट मीन्स आप उसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं अटेंटिव हूं, तुम्हारी चीजों को सुनने के लिए तैयार हूं, तुम बिंदास मुझसे बात कर सकते हो, जहां से चाहो वहां से शुरू कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस उस बच्चे को देता है। अगर आपका बच्चा आपसे बात करना चाहता है और आप उस दौरान कोई काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप रोक सकें, और नहीं रोक सकते तो उसे बोलिए मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं ये चीज कंप्लीट करके वापिस आ रहा हूं, और अगली बार आप अपने आप उसके पास पहुंच जाए और सुने वो क्या कहना चाहता है। एक्चुअली जो उसके थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं
जब वो आपसे शेयर करता है तो उसे एक विश्वास देता है कि मेरे साथ कोई है जो मेरी ओपिनियंस को, मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है, मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। जब वो अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाता है तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड आइए, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कीजिए। जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, जब आप उसको अपनी फीलिंग्स को उस बच्चे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, जब आप अपने इमोशंस उस बच्चे के सामने लेके आते हैं, तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे ये मुझसे शेयर कर रहे हैं ऐसे ही मैं भी शेयर कर सकता हूं। उन्हें कंफर्टेबल बनाइए अपने साथ बात करने में, उन्हें फियरलेस बनाइए आपके साथ बात करने में। ये एक अच्छा रिश्ता मजबूत करने का भी मौका देगा और उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। उन्हें छोटे छोटे नए चैलेंजेस देना शुरू कीजिए। अगर बच्चा छोटा है आप बहुत छोटे छोटे काम दे सकते हैं, अपने खिलौनों को समेटो। अगर तुम ये 5 काम करोगे तो हर काम का मैं तुम्हें 1 स्टार दूंगी, 5 काम के तुम्हें 5 स्टार्स मिलेंगे, और जब 5 स्टार्स मिलेंगे तो तुम्हें ये एक तुम्हारा अचीवमेंट काउंट होगा। आप इस तरह के छोटे छोटे से उसके लिए कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स भी बना सकते हैं। आप उनको टेबल को मैनेज करने का काम दे सकते हैं, आप उन्हें स्वीपिंग या वैक्यूम क्लीनिंग करना या डस्टिंग करना, बर्तन साफ कराने में अपनी कोई मदद करना, आप ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे टास्क बच्चे को दे सकते हैं। जब आप छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं उसके साथ बाद में टाइम लिमिट लगाना शुरू कर सकते हैं, तो बच्चा टाइम मैनेजमेंट भी इन टास्क के साथ सीखना शुरू कर देगा। आप कार धो रहे हैं, अगर आप संडे संडे अपनी गाड़ी क्लीन करते हैं आप कीजिए, उससे बच्चे के अंदर भी एक आदत आती है, एक नई चीज आती है। आपको गार्डनिंग का शौक है उसे साथ लेके जाइए, बच्चा नेचर के साथ जुड़ता है। जब आप छोटे छोटे टास्क देंगे आप बच्चे के इन्वॉल्वमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब बच्चे के इन्वॉल्वमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा वो बच्चा किन चीजों में मन से पार्टिसिपेट करता है। जिन चीजों में मन से पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसमें वो अच्छे से कर रहा है, या कौन सी स्किल्स ऐसे हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और जब बच्चा खेल खेल में हमारे साथ कोई काम करता है वो नेचुरल रहता है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक मोड में रहता है। वो जब रियलिस्टिक मोड में रहता है, जब वो नेचुरल रहता है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन उसके प्रति और ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके करेज को ट्राई, जो उसने करेज था कोई नई चीज को करने के लिए, जो उसने हिम्मत दिखाई थी उसके लिए भी उसे अप्रिशिएट कीजिए। और अगर कुछ वो अचीव करता है, भले छोटा सा अचीवमेंट हो, उसने एक बीज लगाया था, उसने पौधे का रूप ले लिया, सेलिब्रेट कीजिए, उसने आज एक नई चीज सीखी है। जब आप इस तरीके से बड़ा करते हैं तो बेसिकली आपको 2 चीजें मिलती हैं। पहला, वो ये सीखता है कि कई बार खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उसको जब आपने काम दिया था वो अपने समय को खेलने में लगा रहा था, आपने उस काम के साथ टाइम लिमिट दी, बच्चे ने एक नया लेसन सीखा, और वो नया लेसन था कि मुझे काम जो है खेलने के पहले रखना होगा। दूसरी चीज, वो खुद भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पा रहा है उसी दौरान। इसके अलावा बच्चों के साथ आप अथॉरिटेटिव रहे। पेरेंटिंग की 4 स्टाइल होती हैं, वो मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूंगा कि चारों पेरेंटिंग स्टाइल में से आपकी स्टाइल कौन सी आप पहचाने, किसी एक दिन हम ये भी सेशन लेंगे। लेकिन अथॉरिटेटिव रहे, मींस जो कह दिया सो कह दिया, अपनी चीजों पे फर्म रहे, अपने डिसीजंस पे फर्म रहे, एक बार हां तो हां और ना तो ना। छोटी छोटी चीजों के लिए रूल सेट करें, इतनी बजे हम ये कर सकते हैं, इतने बजे सोना है, इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। बच्चे को रूल्स फॉलो करने की आदत लगनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि अगर परिवार है, मतलब ये एक संस्था है, और इस संस्था को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ संस्कार हैं, और परिवार हमारा इन संस्कारों से अलग नहीं जाएगा। थोड़ा सा उन्हें बताएं, उन्हें अलाउ ना करें कि हर समय इंटरनेट पे ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ इंटरनेट पे रहेंगे तो आंखों से लिए जाने वाले ऑब्जर्वेशन से आप दूर हो जाएंगे, बच्चा दूर हो जाएगा। तो उसे पूरे समय इंटरनेट पे या पूरे समय टेक्नोलॉजी पे ना रहने दें, थोड़ा सा उससे बाहर निकालना भी जरूरी है, थोड़ा समय बच्चे का बाहर बिताना भी जरूरी है। उन्हें यह बताना होगा कि किसी भी चीज को कैसे किया जाता है, जो काम आपको आता है
वो हमें सिखाना होगा। जो काम आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बच्चे को उस बारे में एक्सपोजर दीजिए, इससे क्या होगा वो हर नई फील्ड के बारे में जानकारी लेता जाएगा। और जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तब शॉर्टकट्स ना लीजिए, शॉर्टकट्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो शॉर्टकट्स बच्चे को भी डे वन से शॉर्टकट सिखा देंगे और वो सही प्रोसेस कभी सीख नहीं पाएगा, वो हमेशा शॉर्टकट्स ही ढूंढेगा। और कई बार ये जो शॉर्टकट्स हैं आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है इसे उसको फेलियर की ओर लेके जाएंगे। आपके साथ शॉर्टकट इसलिए काम कर रहा है कि आपके पास शॉर्टकट के साथ आपका एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सपीरियंस आपको अलाउ कर देता है। लेकिन जब आप बच्चे के साथ कोई चीज कर रहे हैं, जब उसको कोई चीज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जब आप कोई रूल सिखा के उससे कोई काम करा रहे हैं, तो वो शॉर्टकट्स को उसके साथ में यूज मत कीजिए। रिलेशनशिप स्किल में उसे मजबूत बनाइए। आपके अपने बनाए हुए हर रिश्ते को बच्चे के सामने बेहतरीन तरीके से निभाइए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपके किसी कजिन्स के आप साथ में हो, चाहे आप परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो। इससे बच्चा जब आपको किसी रिश्ते को निभाते हुए देखता है तो उसे पता पड़ता है कि रिश्ता कैसे रखा जाता है और कैसे निभाया जाता है। इसके साथ क्या होता है, बच्चा बेसिकली ह्यूमन स्किल सीखता है। इंसान के रूप में जन्म लिया है, लेकिन इंसान के रूप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें इंसानियत नहीं है। वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। हमें उन्हें इंसानियत सिखानी होगी तो ह्यूमन स्किल सिखानी होगी। जब हमको बच्चा रिश्ते निभाते हुए देखता है तो वो कंपैशन सीखता है, वो काइंडनेस सीखता है, वो सेल्फ असर्टिवनेस सीखता है, वो कॉन्फिडेंस लेता है कि मैं इन सब रिश्तों के साथ में रिश्तों के अपडाउन्स को भी हैंडल कर सकता हूं। रिश्तों के अपडाउन को भी हैंडल करना वो सीखता है। कभी भी उन्हें बार बार ये ना कहें कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। हम अक्सर बच्चा लेट हो गया, हम अचानक से शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा था। इससे जब आप बार बार ये चीज बोलते हैं तो उसको ये लगने लगता है कि ये तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, वो आपकी उस बात की सीरियसनेस को बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो आप ये बोलना अवॉइड करें कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। इसके अलावा बच्चे को सिखाएं खुद से प्यार करना, बच्चे को सिखाएं खुद से, खुद की सेहत से प्यार करना, और खुद से पॉजिटिवली बात कैसे की जाए। उसके लिए आपको उससे पॉजिटिवली बात करनी होगी, उसे हमें पॉजिटिव अफर्मेशन सिखाने होंगे। मान लीजिए बच्चा किसी चीज को कर नहीं पाया, उससे कोई गलती हो गई, तो आप उसे बोलिए कि वो अपने आप को इस तरीके से बोल सकता है, अरे इस गलती की वजह से मैंने ये सीखा। मुझे याद आ रही है एक कहानी, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाने का आविष्कार किया था तो पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि आप 99 बार इसमें फेल हुए हैं। बोले नहीं नहीं मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 99 ऐसी टेक्निक सीखी हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो बच्चे को ये कहना सिखाना होगा कि इस गलती की वजह से मैंने ये सीखा। वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करता है, ओ मैं इसे नहीं सोच पाया था, ये ऐसा भी हो सकता है, इसको करने का एक ये रास्ता भी है, ओ मैं सही रास्ते पे था, बस छोटी सी कोई एक चूक हो गई, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, मैं सही चीजें कर सकता हूं, मुझे सही रास्ता चुनना आता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े ज्यादा एफर्ट लग सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नई चीजें ट्राई करूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं प्रॉब्लम से डर के नहीं भागता हूं। अक्सर हम इसका विपरीत बच्चों को बोलते हैं, तुझसे नहीं होगा, तू तो है ही गधा। आप यकीन मानिए जब हम बच्चे से ये बोलते हैं वो स्वीकार लेता है। हम कहते हैं बड़ा होकर ठेला चलाएगा, बच्चा इमेजिन करता है, अब आप उसको बाद में प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश को ठेले जैसा चलाएगा। निगेटिव अफर्मेशन ना दें, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन देना सिखाएं। उसे कहें आई एम ब्रेव इनफ टू ट्राई अगेन, तुम्हें इतनी क्षमता है, तुम वापस से एक कोशिश कर सकते हो, तुम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाना जानते हो, तुम सिचुएशन को डिफरेंटली डील करना जानते हो, जहां पे भी तुम्हें दिक्कत आएगी मैं हेल्प करने के लिए हूं, चिंता नहीं करो मैं तुम्हारे पीछे ही हूं, तुम्हारे साथ ही हूं, यू कैन आस्क। उसे आप बता सकते हैं तुम कुछ भी सीख सकते हो। वो बच्चा अक्सर किसी लेसन को लेता है तो ये बोलता है मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैथ्स तो मुझे समझ में ही नहीं आती, फलाना फिजिक्स तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, हिंदी तो मुझसे होगी ही नहीं, अंग्रेजी तो मुझे समझ में ही नहीं आती। इसकी जगह आप उसे शुरू से सिखाएं, आई कैन लर्न एनीथिंग, मैं कुछ भी सीख सकता हूं।
आई कैन लर्न एनीथिंग. व्हेन आई फेल आई से आई कांट डू इट येट ट्राई अगेन. पॉजिटिव अफर्मेशंस दें. मैं सीखने के लिए पैदा हुआ हूं. आई चीयर माई सेल्फ. अगर कोई नहीं होगा तो मैं अपनी पीठ खुद थपथपा सकता हूं. मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं. मैं फिर से कर सकता हूं. जब तकलीफ होगी तब भी, जब हार्ड टाइम होगा तब भी. क्योंकि जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिगर करना सीख जाते हैं. दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को परमानेंटली प्रोग्राम कर देगी. और उसके लिए यह बेहतरीन समय, अभी भी हमारे पास 14 दिन है. आज ही शुरू कीजिए. एक नई डायरी निकालिए, एक नई कॉपी निकालिए और बच्चे से संबंधित 5 काम उसमें लिखिए जो वो कल करेगा. कोई भी 5 काम. कल मैं सुबह 9 बजे उठ के ब्रश करूंगा. कल मैं रामायण का सीरियल देखूंगा. मैं 11 बजे के पहले नहा के नाश्ता करके रेडी हो जाऊंगा. कोई भी छोटे 5 काम आज रात को लिखिए, उसकी डेडलाइन सेट कीजिए और बस उस बच्चे को बोलिए कल तुम्हें ये 5 काम इस जो भी तुमने लिखे, जो तुमने चूज करें इस समय के पहले कर लीजिए. नेक्स्ट डे रात को फिर से उसी डायरी को लेके बैठिए और उसे टिक करने का बोलिए ग्रीन पेन से, अगर उसने कर लिया है तो. अगर कर लिया ग्रीन पेन से टिक, कर लिया ग्रीन पेन से टिक, नहीं हुआ रेड पेन से क्रॉस. और कोशिश करना है उसे कि किसी पे भी रेड नहीं लगे. अगर दोस्तों वो 90 डेज तक इस साइकिल को कॉमन रखता है, चालू रखता है, 90 डेज तक इस डायरी को फॉलो करता है, काम हो गया. उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम कॉन्फिगर हो जाएगा कि अगर मैंने सोच लिया तो मैं कर सकता हूं. आई कैन डू. मैंने अगर ठान लिया तो हो जाएगा. इतना पावरफुल वो इन छोटी सी प्रैक्टिस से बन सकता है. बस जो आज 5 काम लिखे हैं वो कल रिपीट नहीं करना है. 7 दिन तक वो काम रिपीट नहीं होंगे. वो काम बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं. मैं आज एक लेसन याद करूंगा, मैं मम्मी की हेल्प करूंगा, मैं आज पापा को चाय बना के दूंगा, आज मैं गाड़ी साफ करूंगा, आज मैं अपने बैग को जमा के रखूंगा, मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा. कोई भी 5 काम जो इजी से इजी बच्चा लेना चाहे. धीरे धीरे उसके लेवल को आप अप कर सकते हैं. जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे बच्चे को पुरानी लिस्ट को कॉपी करने से रोकते जाइए. अपने आप टफ सिचुएशंस आती जाएंगी और बच्चा उन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा. तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं. इन पॉइंट्स के साथ आगे बढ़िए. बच्चे को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए देखिए और मस्त रहिए. आशा करता हूं आज के टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे. अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा. कोई आपके मन में प्रश्न आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जाइएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को भी इस उज्जैन वाले ग्रुप के एक अच्छे प्रयास से जोड़िएगा जहां पे आप रोज नई लाइव चीजें सीख रहे हैं. आप योगा से लेके संगीत से लेके भजन से लेके सारी चीजों में हैं. तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू फ्रेंड्स.